हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो IIT-JAM है यहाँ पर जाकर फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने वीडियोज अपलोड किए जहां पर सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर पी, ये सब मैंने बता रखा है। और भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने काफी सारे वीडियोज अपलोड कर रखे, वो देख सकते हैं। इस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सुन, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं क्लोरेंट फॉर्म, जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड हाई डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्पेशल टाइप होता है जहां पर क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर लिख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें जो क्लोरेंट फॉर्म के नहीं होते हैं पर उसको हम कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो मैं आपको वन बाय वन यहां पर बताने वाला हूं। देखिए, सो सुन, क्लोरेंट फॉर्म होती क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी is known as a Clairaut equation. इसमें इस टाइप की फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है जहां पर फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म हम बोलते हैं, उसी टाइप की हमारे पास Clairaut फॉर्म यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन में होती है, राइट। वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, जहां पर इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, जहां पर भी पी होता है वहां पर हम क्या रख देते हैं, यहां पर सी रख देते हैं। अगर आपको मैं बताना चाहता हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसा होता है, वहां पर हमारे पास ऐसा होता है z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, याद है ना, प्लस एफ ई क्यू, पता है आपको, इस टाइप का होता है। एंड देन वहां पे हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई। सुन, इस पर मैंने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, IIT-JAM पे जाके आप देख सकते हैं। सुन, कंफ्यूज होता है क्लोरेंट फॉर्म कौन सी, ये वाली या वो वाली, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होती है और पार्शियल में भी होती है, दोनों का कंसेप्ट ऑलमोस्ट एक ही होता है, जहां पर पी होता है वहां पर सी रख दो, आपका आंसर आ जाता है, राइट। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। जैसे हमारे पास ये दे रखा है पी इज इक्वल टू लॉग पी एक्स माइनस वाई, अब जानते हैं पी का मतलब डीवाई बाई डी एक्स होता है। सुन, ध्यान देने की जरूरत है, पी यहां पे हमारे पास क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स होता है। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि डीवाई बाई डी एक्स, है ना, लॉग ये आएगा हमारे पास डीवाई बाई डी एक्स, राइट, और एक्स प्रोडक्ट में माइनस का वाई, ऐसा भी हो सकता है, क्लियर। खैर, अभी हमें ये दे रखा है तो हम इस पर बात करेंगे। इसमें क्या करेंगे, लॉग हटाएंगे तो ये आएगा ई की पावर पी इज इक्वल टू पी एक्स माइनस वाई। इसमें जो फॉर्म थी वहां पे वाई इज इक्वल टू था, राइट, तो क्या करो, वाई को उधर लाओ, उसको उधर लेके जाओ, तो वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास पी एक्स माइनस ई की पावर पी आ जाएगा। सुन, आप देख रहे हो क्लोरेंट फॉर्म में आ गया, राइट, तो जहां पर भी पी है वहां पे हम क्या रख देंगे, सुन, सी रख देंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, आराम से इसको इस तरह से कर सकते हैं। सुन, एक और क्वेश्चन देखिए। सो सुन, देखिए वाला क्वेश्चन, ये भी क्लोरेंट फॉर्म पे बेस्ट क्वेश्चन ही है, मैं काम करता हूं इसको इधर लेके आता हूं, तो ये आएगा हमारे पास साइन पी एक्स कॉस वाई माइनस कॉस पी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा हमारे पास पी। इसमें ये फार्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसमें साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, तो यह आएगा पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी हो जाएगा। सुन, साइन उधर गया तो यह आएगा हमारे पास पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स पी हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुनिए, साइन इनवर्स पी उधर ले लो, वाई उधर लेके जाओ, तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी। आप देख रहे हो ये क्लोरेंट फॉर्म आ गया, क्लोरेंट फॉर्म हमारे पास क्या होते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स पी प्लस फंक्शन ऑफ पी, राइट, और बिल्कुल यही आ रहा है हमारे पास, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या आएगा, सुन, जहां पर पी वहां पे सी रख दीजिए, आपका आंसर यहां पे इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहां पे इजीली सॉल्व कर सकते। सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास क्लोरेंट फॉर्म में होता नहीं है पर हम उसको यहां पे क्लोरेंट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, पर यहां पे दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन आप आराम से इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। सुन, यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर को यू मान के वाई स्क्वायर को वी मान के हम इसको क्लोरेंट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर ई की पावर एक्स को यू एंड ई की पावर बी वाई को वी मान के भी इस क्वेश्चन को इजीली यहां पे क्लोरेंट फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन की मेथड से कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो, मैं आपके सामने एग्जांपल डिस्कस करता हूं, उससे आपको दो मिनट में समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर, राइट। अगर आपको इसको क्लोरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए, तो यह आएगा वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। इसमें मैं पी एक्स को उधर लेके जाता हूं, तो इसमें पी एक्स प्लस वाई पी स्क्वायर अपॉन, इसमें दिस इज नॉट इन क्लोरेंट फॉर्म, क्योंकि क्लोरेंट फॉर्म जो होती है हमारे पास वो क्या होता है, सो इन पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी होना चाहिए, पर आप देख रहे हो यार यहाँ पे फंक्शन ऑफ पी नहीं आ रहा है, यहाँ पे वाई और एक्स भी आ रहा है, हमें इसको हटाना है, राइट। तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे, सो सुन उस वाले कंसेप्ट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वी इज इक्वल टू हम यहाँ पे कहेंगे वाई स्क्वायर लेंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सुन जहाँ पर भी यू है वहां पे मैं एक्स स्क्वायर अज्यूम कर लेता हूं, और जहां पर वी है वहां पे क्या ले लेता हूं, मैं वाई स्क्वायर लेता हूं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो आप जानते हैं ये आएगा हमारे पास टू एक्स डी एक्स, सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा डी वी इज इक्वल टू टू वाई डी वाई, राइट। अब इस क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, सो सुन हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो मैं डी वी को ऊपर रखता हूं और डी यू को इसके नीचे डिवाइड करता हूं, इसी टाइप से ये हो जाएगा टू वाई डी वाई
मतलब ये ऊपर रख रहे हैं और ये नीचे रख रहे हैं, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 2x dx हो जाएगा। इसको हम कैपिटल P मान लेते हैं और हम जानते हैं dy by dx हमारे पास स्मॉल p होता है, तो ये आएगा हमारे पास y by x स्मॉल p हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। तो सुन, जहां पर भी हमारे पास x स्क्वायर है वहां पर u, जहां पर y स्क्वायर है वहां v, और जहां पर हमारे पास स्मॉल p है वहां पे हम क्या रख देंगे सुन, ये कैपिटल P की फॉर्म में रख देंगे। तो स्मॉल p की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी सुन, कैपिटल P x अपॉन y हो जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, हमें ये रखना पड़ेगा। तो सुन, यहां पे चूंकि y स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करते हैं, y से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता ताकि आपको चीजें समझ में आए। सुन, y से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स वाई, और जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सुन, ये आएगा y स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब आप देख रहे हो सुन, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, इस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे सुन, वी रखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ ये आएगा हमारे पास कैपिटल पी एक्स अपॉन वाई, और इनटू ये एक्स वाई तो एज इट इज है हमारे पास, प्लस इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे पी एक्स और वाई। तो इसमें यहाँ पे देख रहे हो पी एक्स अपॉन वाई, तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं स्मॉल p की वैल्यू उठा के रखे, जैसे बीमारी खत्म, तो ये आएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, सुन इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा पी एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आप देख रहे हो सुन, y से y तो कैंसिल हो गया, नहीं होगा हमारे पास कैपिटल P एक्स स्क्वायर, और आप देख रहे हो सुनिए वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये कैपिटल पी स्क्वायर आ जाएगा। अब सुनिए जो एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यू आ रही है, तो ये उठा के यहाँ रख दीजिए आप, तो वी इज इक्वल टू कैपिटल पी यू प्लस पी स्क्वायर। अब आप देख रहे हो सुनिए, ये जो इक्वेशन आ गई हमारे पास क्लोरेंट फॉर्म में आ गई, क्लोरेंट फॉर्म हमारे पास होती क्या है, हम जानते हैं वाई इज इक्वल टू हमारे पास होता है पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी। तो यहाँ पे y की जगह हमारे पास u v आ रहा है और x की जगह हमारे पास u आ रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें इसका जो सॉल्यूशन होता है, जहां पर p है वहां हम क्या रख देते हैं, c रख देते हैं। इसी टाइप से इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा सुन, यहाँ पे c आ जाएगा, है ना, ये भी c आ जाएगा हमारे पास। अब जहां पर भी u और v है उसकी वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो सुन v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या थी, वाई स्क्वायर थी, इज इक्वल टू जहां पर वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, सुन जहां पर भी यू है वहां पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का सी स्क्वायर, सुन यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कोई भी अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर हाई डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको क्लोरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके इस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सुन एक और क्वेश्चन देखिए, जहां पर एक नया कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। सुन हमारे पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखकर आपको इसको ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से सॉल्व करना है, तो यार ये भी हमारे पास बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, हमारे पास यहाँ पे चूंकि e की पावर 2y है और e की पावर 4x है, तो सुन ध्यान देना, जो छोटी वाली पावर है वो 2y है, तो हम e की पावर 2x और e की पावर 2y को हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन, इसको u लेंगे, इसको हम यहाँ पे क्या लेंगे, v लेंगे, ये सेम को लेना है ना, अलग अलग नहीं लेना, नहीं तो समस्या हो जाएगी आपके पास, राइट। तो सुन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 2x और ये 2 आगे आ जाएगा, dx इज इक्वल टू du हो जाएगा। इसी टाइप से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 e की पावर 2y dy इज इक्वल टू dv हो जाएगा। इसमें वापस हम डिवाइड करेंगे तो मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, तो ये आएगा हमारे पास 2 e की पावर 2y dy अपॉन 2 e की पावर 2x dx इज इक्वल टू dv अपॉन du हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हो dy बाई dx तुम्हारे पास स्मॉल p है, इसमें ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, जहां पर भी e की पावर 2 है वहां पे v रख दीजिए, डिवाइडेड बाय यहां पे हमारे पास u हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल p ले लेते हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है, अब हम जानते हैं स्मॉल p, इसमें स्मॉल p की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कैपिटल p इंटू यू अपॉन वी, राइट। तो हम इसको इस तरह से यहां पे लिख सकते हैं। अब इसमें यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। अब आप देखिए यहां पे e की पावर 2x u है, तो e की पावर 4x क्या होगा, तो इसमें u स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यहां से हम सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास u स्क्वायर एंड p, इसमें p की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कैपिटल p इंटू यू अपॉन v आएगा माइनस 1। इसी टाइप से जब इसके बारे में बात करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास v और p स्क्वायर, सुन इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, तो ये आएगा p u अपॉन v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, राइट। तो इसको u स्क्वायर को अंदर लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास p u क्यूब अपॉन v माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर प्लस, आप देखोगे सुन यहाँ पे ये नीचे v स्क्वायर हो रहा है और ऊपर v है, तो v स्क्वायर से v कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास p स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जीरो हो जाएगा, राइट। अब आप देख रहे हो सुन यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो u स्क्वायर सब में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, राइट। तो u स्क्वायर को एक बार सबसे क्या कर दीजिए, कॉमन निकाल दीजिए, और एक v भी आप क्या करिए, कॉमन निकाल दीजिए, या v का आप सबसे बेस्ट यहाँ पे अंदर, चलो बाद में लेंगे, सिंपल एक बार हम कॉमन निकालते हैं, राइट। तो मैं कॉमन निकालता हूँ, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, पी यू अपॉन वी माइनस वन प्लस, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे पी स्क्वायर
अपॉन वी हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो. यू स्क्वायर तो गया जीरो में, राइट. अब मैं वी का एलसीएम ले लेता हूं, राइट. वी का एलसीएम लिया तो ये आएगा सो इन पी यू माइनस वी प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अगेन जीरो गया हमारे पास उधर. अब हमारे पास क्या होगा सो इन हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी पी यू माइनस वी प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. इसमें मैं वी को साइड में ले लेता हूँ तो ये आएगा हमारे पास पी यू प्लस पी स्क्वायर. हम जानते हैं स्विन क्लोरीन फॉर्म हमारे पास क्या होती है. क्लोरीन फॉर्म हमारे पास होती है वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी होता है. इसमें वाई की जगह हमारे पास वी है एंड एक्स की जगह हमारे पास यू है, बाकी पी तो एज इट इज ही है. तो ये बिल्कुल क्लोरीन फॉर्म जैसी ही है. तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो हमारे पास क्या आएगा सुन सी यू प्लस सी स्क्वायर आएगा. अगेन इसमें यहाँ पे यू और वी की वैल्यू पुट कर दीजिए. इसमें वी की वैल्यू हमारे पास ई की पावर टू आया है एंड यू की वैल्यू हमारे पास ई की पावर 2x है प्लस का सी स्क्वायर. सुन ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा. और इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से यहाँ पे इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो सुन यार ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में और बहुत इजी है, देखते ही सेकंड में हो रहा है ये क्वेश्चन, आप आराम से इसको कर सकते हैं. सुन मैं बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन क्लोरीन फॉर्म पे बेस्ड है और ये फर्स्ट ऑर्डर हाई डिग्री का है. इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड लगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. कैसी लग रही मेरी सीरीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए. लास्ट में मेरी जो नए वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट यहाँ देख सकते हैं. सुन पुराने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियोस है उनकी प्लेलिस्ट यहाँ मिल जाएगी. सुन नए वाला चैनल पे गेट सीएसआईआर है और आईआईटीज है उसके लिए बहुत शानदार प्लेलिस्ट है. इस नए वाले चैनल पे दे रखिए. सुन यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ये जरूर बताइए कितना टाइम आपको यहाँ पे लग रहा है. धन्यवाद.